हमीरपुर मुख्यालय के वीडियो कार्यालय में स्वयं सहायता समूह की तरफ से मोमबत्ती और सेमिया तथा अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही है। सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा इस प्रदर्शनी में ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार की गई उत्पादों एवं सामान को प्रदर्शित किया गया, ताकि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस दौरान महिलाओं ने ये बताया कि स्थानीय उत्पाद इस कोरोना काल में कितने लाभदायक एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर हैं। इस प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन वीडियो अस्मिता ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से साप्ताहिक हिम इरा प्रदर्शनी एवं मेलों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आम महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने के लिए मंडी दिलाने का प्रयास है। वहीं स्वयं सहायता समूह की कैलाश कुमारी ने बताया कि महिलाओं द्वारा घर पर बनाया हुआ सामान प्रदर्शनी में लगाया गया है, जिससे महिलाएं अपनी आजीविका में बढ़ोतरी कर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। इस समूह से पिछले 5 वर्षों से जुड़ी हुई हैं और अच्छी आमदनी कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रही है। मेरा नाम कैलाश कुमारी है। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम राधिका स्वयं सहायता समूह है। बारल से हूँ और ग्राम पंचायत बजूरी से हूँ। हम 5 साल से इस काम को ब्लॉक के माध्यम से काम कर रहे हैं। सभी महिलाएं अपना आर्थिक स्थिति सुधार में लगी हुई हैं और नरेगा में काम करती हैं, और इसके साथ साथ इनको बचत भी होती है। हर महिला के लिए 1500-2000 कमा लेती है। हर महिला घरेलू घर का काम करने के बावजूद भी अपना उत्पाद तैयार करती हैं, और हम हर मेले और हर ब्लॉक के मैसेज के अनुसार हम यहाँ पर अपने सामान को बेचते भी हैं। इसी के साथ सरकार का और ब्लॉक वालों का और सभी का ही धन्यवाद करते हैं। जय हिंद जय हिंद। आज क्या क्या सामान लेके आए हैं? आज हम चावलों का, देसी चावलों का आटा है, घराट से पीसा हुआ है, हल्दी है, अपना देसी मक्की का आटा है, बड़ियां हैं, जितना भी प्रोडक्ट अपने घर में यूज करते हैं रसोई घर में, वो सब अपने हाथों का बनाया हुआ, तैयार किया हुआ बैगों के साथ लेकर आए हैं। जैसे हमारे ग्रुप में 10 महिलाएं हैं, तो 10 महिलाओं के लिए ऐसे है कि पूरी 10 भी काम नहीं करती हैं, जो 7 महिलाएं वो काम मिलकर करती हैं, कच्चा माल लाती हैं, उनको भी रोजगार साथ में मिलता है और इकट्ठा कमाती हैं। वहीं ममता बालिया ने बताया कि उनके स्वयं सहायता समूह में करीब 15 महिलाएं जुड़ी हैं, जो घर पर बैठकर ही अपने लिए रोजगार के साधन जुटा रही हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा मोमबत्ती का निर्माण किया गया है, जिसे वे आज हमीरपुर के वीडियो कार्यालय में प्रदर्शनी लगाकर बाजार में बेच रही हैं। उन्होंने बताया कि इससे महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। नमस्कार जी, मेरा नाम ममता बालिया है। मैं ग्राम पंचायत बराली से हूँ और मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मेरे ग्रुप में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 7 सदस्य जो हैं इस कार्य पर काम कर रहे हैं। हमने 10 दिन की मोमबत्तियों की ट्रेनिंग ली, उसके बावजूद अब हम उसमें काम कर रहे हैं। उसमें से 7 महिलाएं जो हैं मोमबत्ती कच्चा माल ला के मोमबत्तियाँ तैयार कर रही हैं, जिसमें से आज ब्लॉक के दफ्तर में हमारी प्रदर्शनी स्टार्ट की है। कच्चा माल हमने दिल्ली और जलंधर से मंगवाया है। कॉस्ट इसमें से हमारे पास 120 से लेकर 5 रुपये तक है। वहीं खंड ब्लॉक अधिकारी अस्मिता ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हिम इरा के माध्यम से लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया, ताकि ग्रामीण महिलाएं अपने हाथों से निर्मित प्रोडक्ट्स को बाजार में बेच सकें और अपनी आमदनी को सुदृढ़ बना सकें। महिलाओं ने वीडियो कार्यालय के बाहर प्रदर्शनी लगाकर लोगों को मोमबत्तियां, सेमियां, अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु स्टॉल लगाया है। स्टॉल लगाया हुआ है NRLM के अंडर, सारे पूरे स्टेट में जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं उसमें एक लोकल जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक हिमेरा शॉप्स का जो है वो प्रोविज़न किया गया है, तो वो हमारे ब्लॉक में भी आज इसका हमने शुभारंभ किया है यहाँ पे। और जितने भी हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं उनको महिलाओं ने यहाँ पे जो है वो प्रदर्शित किया है, और ये सेल के लिए भी है। सुबह से कुछ सेल भी हो रही है, जैसे ऑफिस के लोग हैं, हमने भी जो है वो वहाँ से सामान कुछ परचेज किया है। तो ये जो शॉप है, वैसे हमारे यहाँ ब्लॉक में परमानेंट एक शॉप हम यहाँ पे खोलने जा रहे हैं, जो भी हमारे लोकल प्रोडक्ट हो गए स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए,
उनको बेचने के लिए जो है वो उसका प्रोविजन किया जाएगा। और ये जो शॉप है वैसे तो ये कंटिन्यू यहाँ पे जो है वो खुली रहेगी, पर अभी शुरुआत में जो है वो हम हर बुधवार को जो है वो ये शॉप लगाया करेंगे। और ये मेन रोड पे आज एक्चुअली हमने यहाँ लोगों को दिखाने के लिए जो है वो बाहर इसका इसको प्रदर्शित किया है ताकि लोग सारे देख सकें और लोगों को जानकारी हो जाए कि इस तरह की जो शॉप है वो वीडियो ऑफिस में हर बुधवार को जो है वो यहाँ पे लगाई जाएगी और उसके बाद ये परमानेंट जो है वो इसका प्रोविजन यहाँ पे किया जाएगा। तो सभी से जो भी हमारे यहाँ के जो निवासी है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के हमीरपुर ब्लॉक के जिनको भी लोकल प्रोडक्ट की जो जरूरत है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि इन महिलाओं को जो है वो प्रोत्साहित करने के लिए जो लोकल प्रोडक्ट हमारे स्वयं सहायता समूहों ने तैयार किए हैं तो बाहर से ना खरीद करके जो है वो इन्हीं स्वयं सहायता समूहों से जो है वो आप सामान परचेज करें और इनको प्रोत्साहित करें ताकि और जो है वो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और सामान तैयार करें और ये जो हमारा कार्यक्रम है इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। इस तरह अलग अलग ब्लॉक में जो है वो अलग अलग है, जैसे जो बड़ा ब्लॉक है उसमें ज्यादा होंगे। हमारे जो हमीरपुर जो डलमेंट ब्लॉक हमीरपुर है सदर है उसमें हमारे लगभग जो है वो 50 के करीब इनिशियल स्टेज पे ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जो ये सामान तैयार कर रहे हैं और आज जो इस प्रदर्शनी में आए हुए हैं वो लगभग हमारे 15 स्वयं सहायता समूह हैं जिन्होंने अपना सामान लगाया हुआ है बाहर बेचने के लिए।